दोस्तों जर्मन शेपर्ड इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर डॉग है। लोगों को दूसरी डॉग ब्रीड्स का नाम पता हो या ना हो, लेकिन वो जर्मन शेपर्ड का नाम जरूर जानते होंगे। और ज्यादातर डॉग लवर्स के पास आपको जर्मन शेपर्ड देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं जर्मन शेपर्ड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जर्मन शेपर्ड को किसने ढूंढा था? जर्मन कैवेलरी के कैप्टन मैक्स वॉन स्टेफेनिट्ज वो पहले इंसान थे जिसने जर्मन शेपर्ड को ढूंढा था। स्टेफेनिट्ज ने परफेक्ट डॉग की तलाश में एक डॉग शो से हेक्टर लिंकश्रीन नाम के एक डॉग को खरीदा और बाद में उसका नाम होरैंड ग्रैफेथ पड़ा, जिसे फर्स्ट जर्मन शेपर्ड भी बोला जाता है। जर्मन शेपर्ड उन कुछ डॉग्स में से एक है जिनके नाम के आगे डॉग लगता है। इन्हें जर्मन शेपर्ड डॉग या फिर GSD के नाम से जाना जाता है। और इनके नाम के आगे डॉग इसलिए लगता है ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि वो जर्मन शेपर्ड की बात कर रहे हैं जो कि ह्यूमन होते हैं लाइफ स्टॉक को चराने के लिए, या फिर जर्मन शेपर्ड डॉग की बात कर रहे हैं। दोस्तों जर्मन शेपर्ड डॉग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेकेंड मोस्ट रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड है 3.5 मिलियन रजिस्ट्रेशन के साथ। इतनी रजिस्ट्रेशन से ही पता चलता है कि जर्मन शेपर्ड डॉग USA में कितना पॉपुलर डॉग है। दोस्तों जहां ह्यूमंस का बाइट प्रेशर सिर्फ 84 पाउंड्स तक होता है, वहीं जर्मन शेपर्ड डॉग का बाइट प्रेशर 328 पाउंड्स तक होता है, जो आसानी से हड्डियां तोड़ सकती है। वर्ल्ड वॉर 1 ने जर्मन शेपर्ड की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बहुत मदद किया। जब अमेरिकन सोल्जर्स जर्मन के साथ लड़ रहे थे, तब उन्होंने जर्मन शेपर्ड को देखा कि ये कितने इंटेलिजेंट होते हैं और कितने केपेबल होते हैं। और उसके बाद अमेरिकन सोल्जर्स जर्मन शेपर्ड को अपने साथ अमेरिका लेकर आए। उसके बाद से ही जर्मन शेपर्ड धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट हुए। जर्मन शेपर्ड डॉग वैसे तो बहुत काम करते हैं, लेकिन इनका सबसे पहला काम होता है अपने ओनर को सेफ रखना। अगर इन्हें जरा सी भी भनक पड़े कि इनका ओनर थोड़ा डरा हुआ है, तो ये अपने ओनर को सेफ रखने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे उसमें इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स के एक GSD को आंख में गोली लग गई थी, लेकिन फिर भी वो दुश्मनों से लड़ता रहा ताकि उसके ओनर को निकलने की जगह मिल सके। दोस्तों ज्यादातर जर्मन शेपर्ड्स को आपने ब्लैक और टैन और ब्लैक और सिल्वर कोट कलर में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मन शेपर्ड व्हाइट कोट कलर में भी आते हैं? आपने सही सुना, जर्मन शेपर्ड व्हाइट कोट कलर में भी आते हैं। और यकीन मानिए, व्हाइट जर्मन शेपर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। जर्मन शेपर्ड इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप YouTube पे जर्मन शेपर्ड सर्च करेंगे तो आपको 500,000 से भी ज्यादा वीडियोस मिलेंगी, यानी करीब 500,000 के आसपास। जर्मन शेपर्ड की नोज में 225 मिलियन सेंट्रिसेप्टर्स होते हैं और बेस्ट सेंस ऑफ स्मेल की लिस्ट में जर्मन शेपर्ड नंबर 4 पर है, ब्लड हाउंड, बैसेट हाउंड और बीगल के बाद। दोस्तों क्या आप रिन टिन टिन को जानते हैं? रिन टिन टिन वो जर्मन शेपर्ड है जिसे एक अमेरिकन सोल्जर ने वर्ल्ड वॉर 1 के बैटलफील्ड से रेस्क्यू किया था। और शायद ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगे कि रिन टिन टिन ने 27 हॉलीवुड मूवीज में एक्टिंग की है। तो दोस्तों ये थे 10 फैक्ट्स वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डॉग जर्मन शेपर्ड के बारे में।